फर्स्ट चॉइस किड्स वेयर धमाका सेल ऑफर अप टू 40-60% डिस्काउंट के साथ स्पेशलिस्ट इन किड्स वेयर फैंसी बाबा सूट चूड़ीदार वेस्टर्न आउटफिट होस्टरी आइटम्स और भी बहुत कुछ फर्स्ट चॉइस 9 साल से है आपकी चॉइस वैरायटी की भरमार अच्छी क्वालिटी कम दाम आज ही आए फर्स्ट चॉइस किड्स वेयर मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स समय मौजूद है हम मुमरा के संजय नगर इलाके में और आपको बता दें कि संजय नगर में टोरेंट पावर का लगातार विरोध हो रहा है और कल यहां पर जो है कुछ घरों की बिजली टोरेंट पावर की तरफ से काट दी गई थी। इसकी एक जो स्थानीय नगर सेवक है यहां के मुरेश्वर किने उनकी ऑडियो क्लिप भी काफ़ी वायरल हो रही है। इस खबर में हम आपको वो ऑडियो क्लिप भी सुनाएंगे लेकिन क्या वजह थी आखिर जो यहाँ के रहने वाले लोगों को करीब बताया जा रहा है कि 30 से 40 घरों की बिजली जो है काट दी गई थी लेकिन मुरेश्वर किने के बात करने के बाद जो है बिजली आई। लेकिन जिस तरह से मुरेश्वर किने ने टोरेंट पावर के कर्मचारी से बातचीत की है उसको लेकर स्थानीय लोगों में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है और क्या इनका कहना है नगर सेवक के बारे में और टोरेंट को लेकर किस तरह का इनका कहना है। आप लोगों की बिजली जो है काट दी गई थी क्या कुछ आप लोगों को नोटिस वगैरह टोरेंट पावर की तरफ से दिया गया था? कुछ भी नहीं आया था। अभी तक यहाँ तक यानी गरीब नवाज चाल में लोग आए भी नहीं, यहाँ उनका काम भी नहीं चालू हुआ और ये दो बार लोग लाइट काट चुके पूरा दिन और हम लोग लाइट यानी हम लोग टोरेंट का मीटर लगाने हम लोग राजी है नहीं, फिर भी दो बार लाइट काटे यहाँ उन लोग की अभी पोल नहीं आई, उन लोग को डब्बे भी नहीं ठोके, कुछ भी नहीं, यहाँ तक वो लोग आए भी नहीं है फिर भी यहीं की लाइट बंद करे, दो बार हो चुका। और कल कितने बजे बंद हुआ था और कितने बजे फिर लाइट? कल 11 से लेके 8:30 रात तक लाइट बंद थी। ये देखो इनको हार्ट की शिकायत है, अगर इनको कुछ हो जाएगा कौन भर के देगा, इनको हार्ट की शिकायत है। वो देखो मेरे ससुरे है वो उठ नहीं बैठ पाते, बाहर भी नहीं निकल पाते। आका दिन मेरी माँ भी तो है हा? मेरी माँ भी तो बिना कांडी की रह गई थी, आका दिन भाप नहीं थी उसको मालूम, मरने में जमा थी कल। तो अभी टोरेंट का मीटर वगैरह यहाँ पर लगा है कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं लगा, यहाँ तक वो लोग आए भी नहीं, यहाँ तक अभी उनका कुछ काम ही नहीं हुआ तो लाइट बंद करने के कोई सवाल ही नहीं। क्या वजह थी लाइट काटने की? वो लोग ऐसा बोल रहे कि हम लोग लाइट बंद कर देंगे, अभी 3 दिन का टाइम दिए, 3 दिन में अगर तुम लोग नहीं लगाएंगे। 3 दिन का किस चीज का टाइम दिए? वो राजन भाई ने बोले कल फोन करके चालू करने लगाए और उनके पास राजन या मुरेश्वर की ने? हाँ मुरेश्वर, वो बोले उस टोरेंट वाले को तुम लाइट चालू कर दो, कल 40 जन लोग तैयार है मीटर लगाने वाले यानी यहाँ के एकता नगर वाले के, मगर यहाँ की कोई पब्लिक नहीं तैयार है। वो अपने दिल से बोले, उनको कौन बोला वो मुझे नहीं मालूम, मगर यहाँ वाले कोई नहीं तैयार है। वो अपने दिल से बोले 40 जन तैयार है, मगर 40 जन में से एक जन भी तैयार नहीं है, यहाँ गरीब नवाज में मीटर लगाने कोई भी नहीं तैयार है। और वो 3 दिन का टाइम दिए, बोले 3 दिन में मीटर जो है लगा देंगे, वो लोग राजी हो गए लगा देंगे, मगर यहाँ का कोई इंसान राजी नहीं है, मगर ये नगर सेवक लोग अपने तरफ से बोल रहे। उन्होंने जब टोरेंट अधिकारी से बात की तो क्या आप लोगों में से किसी से उनके मुरेश्वर किने की बातचीत नहीं हुई थी क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था उनसे, बातचीत कुछ भी नहीं हुई हम लोग से, ना यहाँ से कोई गया उनके पास, ना हम लोग की बातचीत हुई, कुछ भी नहीं हुआ, अपने तरफ से बोले हैं कितने वो लोग राजी हो गए हैं, 4 दिन में मीटर लगा लेंगे, वहाँ वाले सब 40 जन राजी है, मगर यहाँ के 40 जन में से एक जन भी राजी नहीं है। आप लोग राजी हो? नहीं, कोई राजी नहीं है। क्यों नहीं राजी हो, आखिर क्या वजह है, ऐसा टोरेंट में क्या खराबी आप लोग को नजर आ रही है, आखिर राजी क्यों नहीं? क्योंकि उसके बिल बहुत ज्यादा आता, वो हम लोग कोरंटो का मीटर नहीं चाहिए हम लोग को, यहाँ पर सब मर के खाने वाले सब गरीब लोग काम करके खाते हैं, सब करके खाने वाले, कोई नौकरी पाने वाले कोई है नहीं यहाँ पे कि उनका बिल हम भर सकते, इतनी हमारी औकात नहीं है यहाँ पे, बस ये खराबी दूसरी कोई नहीं। सब राजी है यहाँ पर मीटर लगाने के लिए, लेकिन हमको वो वाला मीटर नहीं चाहिए, जो नया मीटर निकला हमको वो नहीं चाहिए। क्या बोला हमको था? कि जो है हमारी जो पोल की लाइट है वही लाइट चालू है, बाकी सब लाइट मैंने बंद कर दिया। फिलहाल संजय नगर में अभी भी खंबे की वायर कल पूरा दिन लाइट थी, खाली गरीब नवाज चाल की लाइट काटी हुई थी, पोल की लाइट अभी खंबे की लाइट आज भी चलो मैं दिखाती हूँ पूरा दिन लाइट थी कि नहीं, वो भी सब खंबे वाली लाइट, तो खाली गरीब नवाज चाल के ही क्यों काटे थे वो, यहाँ तो अभी वो लोग का कुछ काम भी नहीं हुआ है, जहाँ काम हुआ वहाँ चालू था, यहाँ तो काम भी नहीं हुआ तो यहाँ का बंद करने का सवाल ही नहीं आता ना, जब तुम्हारा मीटर नहीं है यहाँ, तुमने डब्बा नहीं ठोके, यहाँ कुछ काम नहीं करे तो फिर कैसा बंद कर दिए लाइट, और एक बार नहीं दो बार बंद करें, बंद करना था तो पूरे संजय नगर का बंद करना था ना। अभी भी फिलहाल संजय नगर में पूरा खंबे की लाइट कितने जन का चालू था, मैं खुद नीचे रहती हूँ,
तो मेरा भी तो चालू था लाइट, जो कि खंबे की लाइट थी, उन लोग की लाइट नहीं थी, तो फिर यहाँ के क्यों आटे? यहाँ भी आपका घर है क्या? यहाँ पे भी मेरा घर है। अभी तो मेरे को 2 महीना हुआ नीचे जाके, फिलहाल तो मैं यहीं 18 साल से रहती थी, तो यहाँ तो अभी उन लोग का कुछ काम ही नहीं हुआ है, वो लोग यहाँ तक पहुँचे ही नहीं, तो काटने का सवाल कहाँ से आता है? यानी डरा ही रहे ना कि अंधेरे में रखूंगा तो ये लोग राजी हो जाएंगे। क्या कहेंगे आप लोग, जिस तरह से बिजली का मामला यहाँ पर सामने आ रहा है और बिजली काटी गई थी, इसको लेकर क्या कहेंगे? फिर आपके नगर सेवक जो है उन्होंने भी बात की, उसके बाद बिजली आई, लेकिन आप लोग नगर सेवक के भी बात मानने को राजी नहीं है? नहीं, लेकिन नहीं चाहिए ना हम लोग मेहनत करने वाले, हम लोग क्या खाएंगे, क्या बिल क्या भरेंगे? फिर हम लोग वो भरने वाले रहते तो क्या इतना फ्री में नहीं रहता था हम लोग का। बोल अभी कल तो हम दिन भर पूरा अंधेरे में रहे, खाए पिए रहे, बच्चे छोटे छोटे कैसे भी संभाले, रात को लाइट आई, हम लाइट जला के मोटर चालू करके ही हम पानी भरते, क्योंकि ऊंचाई पे पानी चढ़ता नहीं है, जब तक लाइट नहीं रहेगी बिना मोटर के पानी तो चढ़ता ही नहीं है, नीचे वाले पानी में रहेंगे हम बिना पानी के कब तक? अभी 3 दिन बाद फिर से बंद करने बोल रहा है, अगर वो बंद कर देगा तो हम लोग क्या बिन पानी के बिना लाइट के? चल दिन में तो निकाल सकते, लेकिन रात में और पानी क्या पिएंगे? पानी क्या पिएंगे? चलो अंधेरे में तो हम निकाल भी लेंगे, क्योंकि बिल बढ़ेगा वो उसके हिसाब से हम अंधेरे में रह भी लेंगे, लेकिन बिन पानी के रह सकता है कि वो बता दो? अगर बिन पानी के कोई रह सकता है तो हम लोग को मीटर काट दो, लाइट भी काट दो, नहीं चाहिए लाइट। तो आपने सुना कि जिस तरह से कल यहाँ पर बिजली जो है काट दी गई थी, स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है, और बिजली काटे जाने पर जो यहाँ के स्थानीय नगर सेवक है मुरेश्वर की ने, उन्होंने टोरेंट के एक अधिकारी से बातचीत की थी, उसकी ऑडियो क्लिप भी काफ़ी वायरल हो रही है, वो भी हम आपको सुना रहे हैं। और इस मसले पर हमने जब टोरेंट इस मसले पर जब हमने मुरेश्वर कीने से उनका उनसे भी बातचीत करनी चाहिए, तो उनका कहना है कि वो कहीं दूसरे जगह गए हुए हैं, वो आने के बाद जो है अपना पक्ष रखेंगे। बहरहाल जो उनकी ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है वो आप सुन सकते हैं। हेलो 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 शेख साहब, हाँ जी, नगर से मुरेश्वर कीने बोलते हैं। हाँ जी बोलिए ना सर। तब मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने संजय नगर में एक साइड का पट्टा नहीं मिला है, तो कुछ उनका हाँ। लाइन कट किया है, तो नया मीटर हाँ, हाँ, बंद किया है हाँ। हाँ, बंद किया है सर, अप्लाई किया है, लेकिन उसको हम लोग जब गए तब उसी करने नहीं दिया, ऐसा है मतलब। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो लोग सब किस चीज के लिए तैयार है? आप लाइट चालू करो, एक दो कल के लिए सर्वे के लिए आदमी भेजो, वो मीटर नया लगाने का वो तैयार है, वो लोग सब कल लगाने को तैयार है। देखो फिर आपको बहुत पर भरोसा करता हूँ मैं, तो मेरे पे तो उनसे नहीं कर रहा हूँ, आपसे करता हूँ। 40 लोग हैं जिनका अभी लाइट नहीं है शायद, जो मीटर का है मैं वो करा के देता हूँ सब। ठीक है। तो आपने सुना कि किस तरह से जो ये ऑडियो क्लिप थी वो वायरल हो रही थी, और जो यहाँ संजय नगर के ये इलाके के लोग हैं चाल के, इनका साफ कहना है कि जो है मुरेश्वर कीने की वो बात नहीं मानेंगे, जो यहाँ के स्थानीय नगर सेवक हैं। बहरहाल इन्हें 2 से 3 दिन का और समय दिया गया है कि जो मीटर है वो लगवा ले, वरना फिर जो है यहाँ बिजली काटी जाएगी, ऐसा इन लोगों का कहना है। कैमरामैन जफर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।